ईयर 2021 कंप्लीट होने में अब एक वीक से थोड़ा सा ज़्यादा समय बचा है और ऐसे में कनाडा इमिग्रेशन को लेकर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लोगों की डे बाय डे इनक्रीज हो रही हैं कि कनाडा इमिग्रेशन 2022 में क्या करेगा कैसी पॉलिसी होगी वो डिफरेंट सिनेरियो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है आप सभी के लिए बिकॉज इसमें बात करेंगे कैनेडा ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग नवम्बर में लोगों को पी आर इशू किए उसका रीजन बताता बता कि फोर लैख प्लस जो इमिग्रेंट्स का टारगेट था नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट कैनेडा उसको इस ईयर अचीव कर लेगा और इसमें हम बता देते कि अब तक जो नवंबर 2021 तक कनाडा ने थ्री लैख सिक्सटी वन थाउजेंड प्लस लोगों को जो परमानेंट रेजिडेंसी इशू की है वीडियो में इस चीज के ऊपर बात करेंगे और एक आपको रफली कैलकुलेशन दूंगा कि आने वाले सात से आठ दिनों में किन कितने लोगों को पीआर मिल सकती है ठीक है और उसके बाद बात करेंगे कनाडा का एक इमीग्रेशन पायलट प्रोग्राम था जिसको अब उन्होंने फर्स्ट ऑफ जनवरी 2022 से परमानेंट कर दिया है तो बने रहिए इस वीडियो के साथ उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन दी बेलाइकन हमेशा कोशिश करता हूँ एक जैन एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ सो so गाइस सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि नवंबर में कितनी पी आ, लोगों को पीआर मिली 47,000 प्लस लोगों को कनाडा ने परमानेंट रेजिडेंसी इशू किया इन दी मंथ ऑफ नवंबर तो ऐसे में हम एक रफली कैलकुलेशन लगा सकते हैं उसमें क्या है कि अगर ये रेशियो दिसंबर में भी सेम रहती है ठीक है तो अभी 20 डेज चले गए हैं तो नियर अबाउट 13 टू 12,000 लोगों को पीआर आर इशू की जा चुकी है तो आने वाले 10 डेज में उन लोगों के लिए अच्छी अपडेट है जिन्होंने चाहे फैमिली क्लास में अप्लाई किया है जिन्होंने किसी पी प्रोग्राम में अप्लाई किया है कि दैट थर्टीन मोर लोगों को कैनेडा परमानेंट रेजिडेंसी इशू करेगा तो आई होप जितने भी आप वेट कर रहे हैं आपका नंबर उसमें जो है लगना चाहिए दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि इसमें जितनी भी इमिग्रेशन की लैंडिंग हुई है वहां पे उसमें 70 परसेंट इनलैंड एप्लीकेशन थी इनलैंड एप्लीकेशन इन दी मीन कि दैट जो कनाडा में इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम का प्रोग्राम आया था टी आर टू पी आर जो कनाडा ने फेबर में बड़ा ड्रॉ ड्रॉप कंडक्ट किया था वो इसमें थर्टी परसेंट सिर्फ आउटलैंड एप्लीकेशन थी बट मुझे लगता है कि 2022 में कनाडा आउटलैंड जो एप्लीकेशन है उनके ऊपर ज्यादा वर्क कर सकता है उसके बाद एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कैनेडा का जो एक इमिग्रेशन प्रोग्राम था एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम ठीक है उसके जरिए आप कनाडा में मूव हो सकते थे कनाडा देखिए डिफरेंट डिफरेंट समय पर डिफरेंट डिफरेंट टी आर टू पी आर पायलट प्रोग्राम लेकर आता रहता है जैसे टी आर टू पी आर प्रोग्राम इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स का था ठीक है अभी उसको क्लोज कर दिया गया है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम भी सेम प्रोग्राम ऐसा ही है बट उसके बारे में एक अच्छी अपडेट आ गई है अच्छी अपडेट यह है कि ईयर 2022 की स्टार्टिंग से एक जनवरी की स्टार्टिंग से वो प्रोग्राम परमानेंट हो चुका है तो जो कभी भी क्लोज नहीं होगा अब उसमें जो कैब है नियर अबाउट आई थिंक सिक्स थाउजेंड प्लस लोगों को उस प्रोग्राम के जरिए हर मंथ सॉरी हर ईयर परमानेंट रेजिडेंसी जहाँ कह सकते हैं कि प्रोग्राम में इनरोल्ड किया जाता है अप्लीकेशन को फ्यूचर में वो कैप हटेगा या बढ़ेगा वो डिफरेंस में ये एक अच्छी अपडेट है और हमने दिसंबर में एक और देखा कि 16 दिसंबर को दो पीएनपी के ड्रॉ कंडक्ट हुए एक था मैनीटोबा का एक प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इमिग्रेशन के ब्याह पे जो दिसंबर मंथ है वो बहुत ही अच्छा रहा बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कि रिफ्यूजल्स काफी आ रही है उस चीज पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा क्या रिफ्यूजल के रीजन है व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्या सोचना चाहिए वो वीडियो भी एक दो दिन में आपके साथ शेयर करूंगा बट ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो इमिग्रेशन का डाटा आया है कि आने वाले दस से आई थिंक सात से आठ दिन में हम कुछ पासपोर्ट रिक्वेस्ट पी वालों की एक्सपेक्ट कर सकते नियर अबाउट टेन थाउजेंड प्लस तो कंग्रेचुलेशन फॉर दोस्त जिनको वो आएंगी आई होप जो भी डिजायर है उनको आ जाए और दूसरी अपडेट जो इमिग्रेशन प्रोग्राम परमानेंट कर दिया उन्होंने तीसरी पी के ड्रॉज आपकी किसी भी तरह की इंक्वायरी है देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम हमारे नंबर्स यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं बट इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अपनी जो कॉल है जो अपना मैसेज है वो व्हाट्सएप पे ड्रीवल कीजिए सॉरी डिलीवर कीजिए डायरेक्ट कॉल मत कीजिए सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन थैंक यू